हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मैं रफीक और आप देख रहे हैं मेरा टूटा फूटा हिंदी। अक्सर आप ऐसा बाइक देखे होंगे कहीं रॉयल एनफील्ड शोरूम में डिस्प्ले करते हुए, लेकिन मैं आज को आपको रॉयल एनफील्ड बाइक दिखाऊंगा लेकिन थोड़ा हट के। जैसे मैंने पहले थोड़ा देर पहले बताया था आपको, मैं एक शख्स का घर में लेके जाऊंगा जहाँ पे रॉयल एनफील्ड बाइक दिखाऊंगा और भी थोड़ा हट के। तो मैं पहुंच गया हूँ उसका घर, का नज़दीक ही हूँ मैं फिलहाल, रास्ता में हूँ। आप देख सकते हैं ये है नामरूफ थर्मल पावर स्टेशन और उसी का सामने में मेरा पीछे में आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है, वो है नामरूफ थर्मल पावर स्टेशन का बोर्ड है। इसे इस सड़क से जाता है नामरूफ और नामरूफ का नज़दीक में ही है नामरूफ थर्मल पावर स्टेशन जो मेरा पीछे में आप देख रहे हैं, और उसी का नज़दीक में लगा हुआ है आज का मेहमान का घर। आसाम की हरियाली, चाय बागान के बीच में मैं हूँ। ये देखिए हरियाली, हरा हरा तीर जितना भी देखेंगे, हरा हरा चाय का पत्ता, चाय का गस पूरा दिखाई दे रहा है आपको। और इस चाय बागान के ठीक नज़दीक में ही है आज का मेहमान का घर। ये हुआ रास्ता मेन रोड और इस तरफ से जाता है आपका नामरूप इलाका। नामरूप से सिर्फ 3 किलोमीटर दूरी में है इसका घर। ये बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है शायद इसमें, और ये रहा सोनारी जाने का रास्ता। बढ़िया एक चीज़ दिखाएंगे आपको, इसमें पहाड़ जो है वो पहाड़ इलाका है पूरा, और रास्ता के एकदम नज़दीक में लगा हुआ है आज का मेहमान का घर। ये रहा हम लोग का आज का मेहमान का घर, तिलक दा। नमस्कार। नमस्कार जी, क्या हाल है? ये जो रॉयल एनफील्ड आप बनाया है, हाँ, ये आपका सपना था या नहीं? ये मैं हमारा बनाने क्या सकता। ये जो रॉयल एनफील्ड बनाया, ये तो अनोखा चीज बनाया आपने। ये कहीं डिस्प्ले करते हैं क्या इसको? मेला 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 में एक बार गया था। अच्छा, हाँ एक बार गया था नाहकुटिया। तो आदमी लोग देखते हैं कि नहीं इसको? हाँ देखता है, बहुत आदमी आके देखता है। कैसा फील होता है इसको देखा गया आपको, कैसा लगता है? आदमी आता है, सब आदमी पूछता है कि कैसे बनाता है, इसे बनाता है क्यों बनाता है, इसे इसे मतलब हर क्वेश्चन करता है। पूरा का पूरा डुप्लीकेट लग रहा है रॉयल एनफील्ड का। पहिया तो पहिया भी आपका बेट का ही बना हुआ है? बेट का ही बनाया हुआ है। अच्छा, सेन का भी बेट का ही है, इसमें जो सेन लगा हुआ है वो भी बेट का है। अच्छा, उसी तरफ आगे का पहिया देखिए, इस तरफ पूरा का पूरा रॉयल एनफील्ड का पहिया लगा, वो भी बेट से बना हुआ है, बेम्बो से। और इसमें जो सेन है, ओ बाप रे बाप, ओ माय गॉड, ये जो सेन है, सेन भी बेम्बो से बना हुआ है। देखिए ये पूरा का पूरा सेन और लंबा सेन, रॉयल एनफील्ड में जो सेन लंबा ही रहता है। सेन स्पॉकेट देखिए, इसमें सेन स्पॉकेट भी है, सॉकेट देखिए, एयर फिल्टर बॉक्स देखिए, क्या देखेंगे आप इसमें। फ्यूल टैंक देखिए, ओ बाप रे, इसमें तो मिरर भी लगा के रखा, वो भी मिरर भी उसी स्टाइल में, वो भी क्लास लीवर ब्रेक लीवर है, वो भी स्प्रिंग लगा के रखा है ब्रेक लीवर में भी। ओ बाप रे बाप, ओ बा, इसमें तो पूरा ये क्या बोलते हैं, इसमें पार्किंग लाइट का और हेडलाइट, बा ये भी स्प्रिंग सिस्टम बढ़ गया। क्लास लीवर देखिए, क्लास लीवर अपने आप से छूट जाता है। ओ बा, मजा मजा। इसके अलावा आप क्या क्या बनाते हैं? बैग का हम हर सामान बनाता हूँ। अच्छा, अपने आगे जो सामान मांगता है ना, वो सामान बना के देता हूँ। आपका फैक्ट्री कहाँ पे, कहाँ पे बनाते हैं? घर में अपना? वो आपका थोड़ा सामने, चलिए आइए। अभी तो बनाया हुआ सामान नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये रहा तिलक जी का कारखाना और इसी सामान से बनता है एक लाइट जला देता हूँ। अच्छा, तो अकेले आप लोग ये सब करते हैं या आपका साथ कोई साथ में रहता है? ना, अभी अभी हमारा साथ कोई आदमी नहीं है, पहले था। ये क्या आपका दुकान है या कारखाना या क्या है? ये तो हम काम करता है, वर्कशॉप है जैसे। अच्छा, इसका अलावा आपका घर में जो यूज करते हैं आप, तो दूसरा यूज करते हैं शायद? नहीं, हम हमारा घर में सब हम खुद बनाया हुआ सामान यूज करता हूँ। अच्छा, ये दूसरे माने वुडन का काठ का सब नहीं करते? नहीं नहीं नहीं, हमारा ऐसे दिखाएंगे क्या एक बार? चलिए अंदर चलिए, क्या बात है, चलिए देखते हैं आज का घर में क्या क्या चीज। ओ वाह, ये भी बेम्बो का है, सब चीज बेम्बो का ही है। टीवी स्टैंड तक बेम्बो का, ओ बाप रे बाप, लाइब्रेरी सब ये भी बेम्बो का ही है। ओ वाह, ये तो मानना पड़ेगा, तो हर एक चीज बेम्बो का है, पट्टी को सोर के, और ऊपर में भी है ये देखिए, वाह, हनुमान जी का गड्ढा है, हनुमान जी का। इसको एक बार लाएंगे क्या? हाँ लेके। ये देखिए बजरंग बली, मजा। आइए बाहर में बात करते हैं। ठीक है, चलिए। ये रहा छोटा एक इलाका नामरूप, अपर आसाम का डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा इलाका है नामरूप, और नामरूप में ही आपका आज का हम लोग का मेहमान का घर, जिसने एक अनोखा चीज़ बनाया है रॉयल एनफील्ड बाइक।
जो नया जनरेशन का नया लड़का लोग का एक ड्रीम बाइक होता है, सपना का बाइक होता है, वो खुद तो नहीं ले पाया लेकिन वो अपने हाथों से बना दिया मेहनत करके बेम्बू से। इसमें देखिए क्या चीज इसमें नहीं लगाया है उसने, पूरा साइलेंसर तक रॉयल एनफील्ड आपका। अगर मैं तो पीछे से आगे से दिखा रहा था, मैं आपको इसका पीछे से भी दिखाऊंगा। लाइट वगैरह भी लाइट लगा नहीं सकता है लेकिन इसका लाइट का एक झलक मैंने आपको समझने के लिए एक लाइट दिया हुआ है। उसमें सीट देखिए क्या सीट, रेयर प्रीमियम सीट चाहिए या राइडर सीट चाहिए, कौन सा चाहिए आपका। एयर फिल्टर बॉक्स से लेकर बैटरी बॉक्स सब कुछ इसमें लगाया है। उसमें मीटर का तो स्टाइल में दिया है सीट, और इसमें कभी आदमी सर सकता है क्या? हाँ, बैठ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता ना, टूटने का चांस नहीं है। अच्छा, ये सब जब बना रहा है ये सब आपका कला, ये कला मैंने देखा आपका, ये आपका हॉबी है या आपका ये बिजनेस है? हमारा नशा भी है, हॉबी भी है, बिक्री भी करते हैं, बिजनेस भी होता है। अच्छा, तो कहाँ कहाँ से आदमी आप यहाँ पे देखने के लिए आते हैं? देखने के लिए तो बहुत जगह से आता है। अच्छा, आपने जो अंडमान निकोबार के बारे में एक बार अंडमान निकोबार गया था हम, जगह बहुत सामान बनाया बेट का, और हम आसाम से गया था। अच्छा, वहाँ से क्यों फिर वहाँ से क्यों आ गया था? हम कुछ दिन के लिए गया था। अच्छा अच्छा, हाँ, इसीलिए आ गया। अभी अभी और जाने का कुछ इरादा है क्या? इरादा तो अभी नहीं है। तो आसम में रह के ये सब काम करने का? आसम में अच्छा है, आसम में अच्छा लगता है। ये रहा आज का छोटा सा वीडियो, कैसा लगा बताइएगा। अगले मिलते हैं अगले बार एक नया वीडियो के साथ, नया जुनून नया तजुर्बे के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।